टाइम गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोगों ने देखा होगा किसी कोई सेलिब्रिटी जब टीवी पर देखते हैं या उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? Whenever you see any celebrity or hear them, many questions arise in your mind. And questions are like that: what are the secrets behind their success, and how and why they are famous? तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये सारे questions आपके दिमाग में आते होंगे। और यही जो questioning है, यही साइंस को पैदा करती है और उसको जीवित रखती है। ये है अब्दुल कलाम, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थोड़ी बातें। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। But today we are going to read lesson 12, Children Ask Kalam from class 8. Former President Dr. APJ Abdul Kalam was hugely popular in children. Hundreds of children write to him many letters, and Kalam ji also tried to respond all the letters, and a selection of those letters has been made into a book, Children Ask Kalam. And from that book, many questions, some interesting questions are taken for this lesson. Let's see what are those questions and how Kalam answered them, these questions. Okay, start the lesson. ओके बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनसे बच्चे बहुत ही क्लोज थे और वो अपना बहुत ही टाइम बच्चों के साथ बिताते थे। और उस बच्चे जो थे उनको डेली लेटर लिखते थे और कलाम जी भी हमेशा यही कोशिश करते थे कि उनका जवाब दे सके। और इन्हीं जवाब और क्वेश्चन को मिलाकर के एक बुक बनाया गया जिसको नाम दिया गया चिल्ड्रन आस्क कलाम। और इसी बुक से, चिल्ड्रन आस्क कलाम बुक से ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लिया गया है इस लेसन के लिए क्लास 8th में, जिसमें कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी हैं जो कलाम जी से रिलेटेड है और कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो हम ही लोगों के बीच की है। आइए देखते हैं कलाम जी के बारे में कुछ और बातें। ठीक। प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम स्पेंड्स आवर्स एवरी वीक कनेक्टेड विद चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन, thinking about their future and thinking through their issues. Here are Dr. Kalam's answers to the questions that some children have asked him. तो जैसे मैंने बताया कि अब्दुल कलाम जी जो थे उनको बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर भी थे। तो अब्दुल कलाम जी जो थे वो घंटों उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे और बच्चों के साथ में उनको रहना पसंद भी था, तो वो देश भर के बच्चे उनके साथ जुड़े हुए थे। और कलाम जी जो थे वो हमेशा बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते और इसके साथ साथ ही उनके सोच के साथ साथ वो ये भी सोचते कि उनके इश्यूज क्या है और उसको कैसे ओवरकम किया जाए। और ये जो हम आगे देख रहे हैं, हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर टू द क्वेश्चन दैट सम चिल्ड्रन आस्क्ड हिम। कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने उनसे पूछे थे उसके जवाब क्या दिए कलाम जी, हम आगे देखते हैं। धनराज स्टैंडर्ड 8 सिटी कसारगोड, उनका क्वेश्चन था, क्वेश्चन व्हाट इज योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। कलाम, माय फुल नेम इज अबुल पाकी जमालुद्दीन अब्दुल कलाम। ड्यूरिंग माय स्कूल डेज पक्षी रमनाथन शास्त्री वाज माय बेस्ट फ्रेंड। ये है धनराज जो कि क्लास 8th में है और उनका क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज योर फुल नेम, क्योंकि कलाम जी के आगे हमने देखा होगा एपीजे लिखते हैं ये, तो ये एपीजे उनका पूरा नाम क्या था। और हु वॉज यूर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, और धनराज ने ये भी क्वेश्चन किया कलाम जी से कि आपके स्कूल के समय में आपके बेस्ट फ्रेंड कौन थे। तो कलाम जी ने क्या आंसर दिया, माय फुल नेम इज, उनका पूरा नाम क्या है, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। आप लोगों ने देखा होगा साउथ के लोग जब अपने नाम के आगे कभी ई लगाते कभी टी लगाते, जैसे कलाम सर भी अपने नाम के आगे एपीजे लिखते थे, तो इनके में एक ऐसा नियम है या उनके सिस्टर्स के द्वारा ये अपना
अपने पिताजी का नाम, अपने विलेज का नाम, ये सब लोग ऐड करते हैं, तो इसीलिए इन लोग का नाम लंबा भी हो जाता है। तो कलाम जी का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और वो कहते हैं, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दौरान जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे वो थे पक्षी रामनाथ शास्त्री, मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशी भूमि स्टैंडर्ड 11th इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विद्या मंदिर, सॉरी कन्या विनय मंदिर सिटी राजकोट। क्वेश्चन, हाउ फार इज द फेवर ऑफ फॉर्चून नेसेसरी? कलाम, हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, फॉर्चून विल फेवर यू इफ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। देयर इज अ फेमस सेइंग, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। There is another saying that is takes many years of hard work to make an overnight success. Fortune यानि होता है भाग्य, persistence यानि होता है दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करते रहना, अनवरत यानि कि continue किसी काम में लगे रहने को कहते हैं persistence। Okay? तो जोशी भूमि जो कि 11th क्लास की है, कोटक कन्या विद्या विनय मंदिर राजकोट से, उनका क्वेश्चन था हाउ फार इज द फेवर ऑफ फॉर्चून नेसेसरी। फेवर ऑफ फॉर्चून यानी कि हमारा भाग्य का साथ होना हमारे लिए कितना जरूरी है। ये क्वेश्चन था जोशी भूमि का कि हम कुछ काम करते हैं तो क्या उसमें भाग्य का साथ होना जरूरी है तो कितना जरूरी है। तो हमारे कलाम जी उनको क्या आंसर दिए देखते हैं, हार्ड वर्क कम फर्स्ट, यानी कि हार्ड वर्क जो है वो हमें पहले करना चाहिए, लक साथ दे ना दे लेकिन हमको अपना काम करते रहना चाहिए। तो हम जब हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा फेवर भी ऑटोमेटिक हमारे साथ रहेगा। तो वो कहते हैं हार्ड वर्क कम्स फास्ट, जो हमारी कड़ी मेहनत है वो पहले आता है, फॉर्चून विल फेवर यू, आपकी किस्मत आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। कब? इफ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। आपका फॉर्चून है, आपका भाग्य भी है, वो आपका साथ देगा तब जब आप किसी काम को दृढ़ संकल्प के साथ करते रहेंगे, कड़ी मेहनत के साथ उस पर डटे रहेंगे। देयर इज फेमस सेइंग, यहाँ एक फेमस कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है, God helps those who help themselves. भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, गॉड भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमको लक के द्वारा ऐसे कुछ मिल जाए तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत से ही हमारा भाग्य जुड़ जाता है। There is another saying, एक और कहावत है, that it takes many years of hard work to make an overnight success. यानी कि रातों रात हमको सफलता के लिए, सक्सेस के लिए उसके पीछे हमारे सालों की कड़ी मेहनत होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई लोग अचानक ही फेमस हो जाते हैं तो हमको लगता है अरे वाह ये तो एक ही रात में फेमस हो गए, लेकिन वो एक रात में जो फेमस होना है उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत रहती है, जो मेहनत करने वाले ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवेश रंजन इंस्टीट्यूशन NIC सिटी न्यू दिल्ली, इनका क्वेश्चन था, प्लीज टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। कलाम, साइंस वाज बोर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाय क्वेश्चंस, द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर्स नो वेल, चिल्ड्रन आर सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चंस, हेंस चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। फाउंडेशन यानी फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद या फिर आधार। ओके, तो देवेश रंजन ने क्वेश्चन किया, प्लीज टेल मी, मुझे बताइए प्लीज कि हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले साइंटिस्ट कौन हुए होंगे या कौन रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन था देवेश रंजन का। तो कलाम जी ने उनको आंसर दिया, साइंस वॉज बोर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाय क्वेश्चन। जो साइंस यानी कि विज्ञान जो है वो क्वेश्चन से ही पैदा हुआ है और ये क्वेश्चन से ही सर्वाइव करता है, यानी कि जीवित है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे तो साइंस भी वहां पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइंस क्या है, एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है। हम कोई चीज को देखते हैं, हमारे अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं इसके इसके लिए इसका मतलब है कि हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है जानने की। और जिसके अंदर ये जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि वाई हाउ व्हेन, तो वो उनका जो दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है, वो साइंटिफिक कहलाता है। यानी कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसको तुरंत हम एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब है कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि जिसने जो कहा हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यदि हमें कोई चीज़ दिखाई जाती है, जैसे हमको कोई ट्री दिखाया जाता है तो हमने हाँ समझ लिया कि ये ट्री है, ये ब्रांचेस है,
तो ये ट्री हम देख रहे हैं, तो ये ट्री में जो ऑयल की लीव्स है वो ग्रीन कलर की क्यों है? अगर हमारे माइंड में ये सब क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक है. ओके, और आगे क्या कहते हैं, द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग. जो हमारा जो साइंस है, जो विज्ञान जो है, उसका आधार, उसकी जो बुनियाद है वो क्वेश्चनिंग ही है. मतलब वो प्रश्न पर ही खड़ा हुआ है. यानी कि जब हम प्रश्न पूछना बंद कर देंगे, यानी हमारे हमारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो साइंस वहीं पर ही खत्म हो जाएगा. तो साइंस की जो बुनियाद है, होल फाउंडेशन जो है वो क्वेश्चनिंग ही है. एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर्स नो वेल, जैसे कि टीचर्स और पेरेंट्स जानते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो क्वेश्चन, अनएंडिंग क्वेश्चन का सोर्स है. यानी कि आप लोगों ने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा, आप उनको दिखाएंगे पानी, वाटर दिखाएंगे, तो वो बोलेंगे उसकी कलरलेस क्यों है, उसमें कलर क्यों नहीं है, इसमें टेस्ट क्यों नहीं है. आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, उनके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो जाएगा कि ऐसा क्यों है, कि ऐसा क्यों है. और ये सारी चीज़ें पेरेंट्स भी जानते हैं और टीचर्स भी जानते हैं कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, वो एंडलेस क्वेश्चन करते जाते हैं, उनकी उनका क्वेश्चन जो है वो कभी खत्म भी नहीं होता है. इसलिए कलाम जी ने कहा है कि चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, क्योंकि हमारा साइंस जो है वो क्वेश्चन से ही बना हुआ है, उसका फाउंडेशन क्वेश्चन है. और जो चिल्ड्रन जो है, जो चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अनएंडिंग क्वेश्चन के सोर्स है. इसलिए हमारे पहले साइंटिस्ट कौन हुए, हमारे पहले साइंटिस्ट जो हुए उनके चाइल्ड ही रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बी इशिता स्टैंडर्ड 6 इंस्टीट्यूशन सेंट बेडिस स्कूल सिटी चेन्नई. क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स. कलाम, बाय कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेम्बर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स. सीक्रेट यानी होता है रहस्य या राज, एप्लीकेशन यानी कि उसका उपयोग. तो इशिता ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स. साइंस और मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे उनके आईपीएससी नेम भी जानते होंगे, तो ये सबको याद कैसे करें? क्योंकि हम तो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको अगर रिपीट ना करें तो वो हमारे माइंड से स्केप हो जाता है, स्किप हो जाता है. ओके, तो इन सब को लगातार याद रखने के लिए, साइंस के फार्मूला को, मैथ्स के फार्मूला को, यानी कि सूत्रों को याद करने के पीछे, उसको हमेशा याद रखने के पीछे क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है? तो कलाम जी कहते हैं बाय कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी उपयोग. जैसे हमने कोई चीज़ को पढ़ लिया, कोई सूत्रों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसको कॉन्स्टेंट यूज़ करते रहे. जैसे छोटे बच्चों को हम, जैसे नर्सरी पीपी उनके बच्चों को देखा होगा, उनको अगर क्लास में अगर उनके टीचर ने अगर सिखाया होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो वो दिन भर बोलते रहेंगे कि हाँ आपके पास 2 चॉकलेट है, आपने मुझे मैंने आपको 2 और दे दिए, तो बताएंगे कि प्लस करके हाँ 2 और 2 कितना हो गया, 4. तो अगर उसका वो एप्लीकेशन लगातार कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन को लगातार उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला उसको याद हो जाएगा कि हाँ मेरे पास इतना है, मुझे और मिल गया, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पर, सबको सम अप कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ. तो इसी तरीके से जैसे क्लास बढ़ते जाता है तो हमारे फार्मूलाज भी बढ़ते जाते हैं, साइंस के भी, मैथ्स के. तो जब तक इन फार्मूलाज को आप एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने लगातार उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको याद नहीं कर सकते. तो कलाम जी कहते हैं कि फार्मूला को रिमेम्बर रखने का, हमेशा याद रखने का एक ही सीक्रेट है, उसका कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन था उमंग दवे स्टैंडर्ड 9 इंस्टीट्यूशन सिल्किन एकेडमी सिटी मुंबई. उनका क्वेश्चन था विच हैज बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ यूर लाइफ. ये क्वेश्चन था उमंग दवे का. ये कलाम जी की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ था. उनका क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट, यानी कि हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है. कलाम जी का आंसर था, कलाम, I was once working with doctors to get lightweight flow reaction orthoses FROs for polio affected persons. After taking the measurement, when the children were fitted with it weighing 1/10 of the original weight which they were carrying, the children started running, walking and paddling cycles. Their mobility brought tears of joy in the eyes of their parents. The sight of the happiness on their faces was bliss to me. ब्लिस यानी होता है खुशी या आनंद. जब उमंग दवे ने क्वेश्चन किया कलाम जी से, डॉक्टर एपीजे कलाम जी से, कि आपके लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है, तो कलाम जी कहते हैं कि आई वॉज वंस वर्किंग विद डॉक्टर्स, मैं जब एक बार जब मैं डॉक्टर्स के साथ काम कर रहा था, किस फील्ड में, टू गेट लाइट वेट फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सन. आप लोगों ने देखा होगा जो जो बच्चे होते हैं जो पोलियो से अफेक्टेड होते हैं, पोलियो से प्रभावित होते हैं, उनको चलने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि
अभी तो पोलियो लगभग हमारे कंट्री से रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी भी ये केस बहुत कम आते हैं। तो उस समय जब कलाम जिस पर जो काम करते डॉक्टर्स के साथ में, तो उन्होंने देखा कि जो पोलियो जो अफेक्टेड पर्सन है, बच्चे जो हैं, उनके पैरों को चलाने मतलब उनको खड़ा करने के लिए, उनके चलने के लिए एक इक्विपमेंट आता है, जिसको कहते हैं कैलिपर, जो उनके पैर से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो वो उन्हीं पर काम कर रहे थे, लाइट लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस। तो जब वो डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे थे पोलियो अफेक्टेड पर्सन के लिए, तो जब इन बच्चों के जो पैरों में जो कैलिपर्स लगाए जाते हैं उनको स्ट्रेट खड़ा करने के लिए, तो उनको जो फिट करते हैं उसका वजन, उस पर काम करते हुए उन्होंने उसके वजन का, जो कैलिपर्स होते हैं जो बच्चों पोलियो अफेक्टेड पर्सन के पैरों में लगाया जाता है, उसका वजन लगभग 3 किलो के आसपास होता है। तो उसको लेकर के पोलियो अफेक्टेड पर्सन के लिए चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो कलाम जी थे डॉक्टर्स के साथ मिल करके उस वेट से लगभग 1/10 वजन कम करके उन्होंने एक नया कैलिपर्स बनाया था। और जब उसको बना करके बच्चों के पैर में लगाया गया, वो जितना वजन पहले कैरी करके चलते थे अपने पैर में लगा करके, उससे 1/10 वजन कम करके उनके पैर में लगाया गया। और जब बच्चे उस कैलिपर्स को, जो कि पैर में लगाने के है, उसको कैलिपर्स को लगा करके वो जब दौड़ने लगे, वॉक करने लगे, साइकिल चलाने लगे, तो उनकी इस मोबिलिटी को, देयर मोबिलिटी ब्रॉट टीयर्स ऑफ जॉय इन द आईज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जब वो बच्चे चलने लगे, जो 3 किलो कहाँ जो लगा के चलते थे पैर में, उसके वजन को लगभग 10 भाग कम कर दिया गया। तो अब वो कितना हो गया होगा, 300 ग्राम। तो इसको लगाते ही बच्चे जो थे पोलियो अफेक्टेड बच्चे जो थे, वो चलने लगे, दौड़ने लगे, यहाँ तक कि वो साइकिल भी चलाने लगे। तो उनकी बच्चों की इस मोबिलिटी को, उनके चलने की जो क्षमता को देख करके उनके पेरेंट्स के आंखों में बहुत आंसू आ गए, मतलब ये आंसू थे खुशी के आंसू थे। और ये जो साइट था, ये जो दृश्य था, द साइट ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस वॉज ब्लीस टू मी। कलाम जी कहते हैं उनके पेरेंट्स में जो ये खुशी के जो आंसू थे, इस दृश्य को देख करके मेरे अंदर भी, मेरे चेहरे पर भी खुशी आ गई, आनंद आ गया, और ये मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तो देखिए यहाँ पर कलाम जी अपने लिए खुश नहीं थे, वो पोलियो अफेक्टेड पर्सन बच्चों के लिए कुछ काम करके खुश थे। मतलब कलाम जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे, और ये बहुत ही डिसेंट और डाउन टू अर्थ पर्सन थे। और उनके बारे में आगे देखते हैं। आर अरविंद, स्टैंडर्ड थर्ड इंस्टीट्यूशन, सेंट बेडिस स्कूल, सिटी चेन्नई। इनका क्वेश्चन था, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। अरविंद क्वेश्चन करते हैं कि आपके चाइल्डहुड का कुछ ऐसा अनफॉरगेटेबल, यानी जिसको हम ना भुला सके, अविस्मरणीय कुछ ऐसा इंसिडेंट यानी कि घटना है आपके बचपन का, जिसको आप बताना चाहेंगे। इस पर कलाम जी कहते हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई क्लास 5 टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ही टॉट अस इन हिज लेक्चर्स हाउ बर्ड्स फ्लाई। ही शोड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम। इट इज एन अनफॉरगेटेबल ओकेजन विच एज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर। इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस। सी शोर यानी होता है समुद्र किनारा, सी यानी समुद्र, शोर यानी किनारा, यानी सी शोर समुद्र का किनारा। एच के यानी होता है छाप या उकेरा गया, जो हमेशा अविस्मरणीय हो जाता है हमारे मस्तिष्क में। ओके, तो जब बच्चे ने पूछा कि आपकी चाइल्डहुड में, यानी कि आपके बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई हो जो आपको अविस्मरणीय हो, जिसको आप ना भुला सके, ऐसी कुछ घटना के बारे में आप बताइए। तो कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं क्लास 5 में था, तो टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर। तो उन्होंने उन्होंने अपने लेक्चर्स में बताया, ही टॉट अस इन हिज लेक्चर हाउ बर्ड्स फ्लाई। वो अपने लेक्चर में सिखा रहे थे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, बर्ड्स चिड़िया जो है उड़ती कैसे है, बर्ड्स हाउ बर्ड्स फ्लाई। ही शोड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम। तो उन्होंने बच्चों को ये नहीं बताया कि बर्ड्स जो है वो अपने पंख को फैलाते हैं फिर उड़ चलते हैं। उन्होंने क्या किए, सुब्रमण्यम जी ने क्या किया, अय्यर जी ने, उनको वो रामेश्वरम के सीशोर पर समुद्र के किनारे ले गए और उनको लाइफ एग्जाम्पल दिखाया, रियल लाइफ एग्जाम्पल उनको दिखाया कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। और वो जो था रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो हमेशा के लिए कलाम जी के मस्तिष्क में छप गया। इट इज़ अ अनफॉरगेटेबल ओकेजन विच एज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर। और कलाम जी कहते हैं कि ये मेरे लिए अनफॉरगेटेबल, यानी कि अविस्मरणीय, जिसको मैं कभी भुला ना सकूँ, एक ऐसा पल था जो मेरे मेमोरी में हमेशा के लिए छप गया।
इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस। और वो जो घटना थी रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो मुझे साइंस पढ़ने के लिए बहुत ही मदद किया और ये मुझे साइंस पढ़ने की इच्छा और जगाती रही। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभिलाष वर्मा स्टैंडर्ड 8 इंस्टीट्यूशन पुलिस मॉडर्न स्कूल सिटी इटावा। क्वेश्चन था इनका, यू आर एन आइडियल मैन, प्लीज गिव अस योर सजेशन टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। अभिलाष ने क्वेश्चन किया कि आप जो है एक आदर्श व्यक्ति हैं, प्लीज गिव अस योर सजेशन टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। और वो कहते हैं, कलाम जी से कहते हैं अभिलाष वर्मा कि आप तो बहुत आइडियल मैन है, एक आदर्श इंसान है, तो हमें भी कुछ सुझाव दीजिए ताकि हम भी अपनी लाइफ में एक अच्छी ह्यूमन बींग बन सके। तो देखते हैं कलाम जी ने क्या कहा होगा। अभिलाष के क्वेश्चन पर कलाम जी कहते हैं, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर कंबाइंड विद स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बींग, ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स। टेम्पर यानी होता है स्वभाव, प्रकृति, स्पिरिचुअलिटी यानी होता है आध्यात्मिकता। ओके, तो कलाम जी कहते हैं गुड ह्यूमन बींग बनने के लिए सबसे पहले तो है कि हार्ड वर्क करिए और एक साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर यानी कि अपना हमेशा दिमाग जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव रखिए, हमेशा जानने की इच्छा रखिए। इसके साथ साथ ही आपको आध्यात्मिकता के साथ ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक अच्छे ह्यूमन बींग बन सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों में बुराई खोजने की कोशिश करते हैं, तो कलाम जी कहते हैं ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर। हमको दूसरे लोगों में हमको अच्छाई ढूंढना है और उसको अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करनी है। तो कलाम जी कहते हैं कि आध्यात्मिकता के साथ आप हार्ड वर्क कीजिए और एक साइंटिफिक टेम्पर रखिए जो कि आपको गुड ह्यूमन बींग बनाने की तरफ ले जाता है और आपको एक सफल इंसान भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष चंदन स्टैंडर्ड 7 डॉक्टर आर एस राधाकृष्णन विद्यालय सिटी मलाड मुंबई। इनका क्वेश्चन था, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड्स एवरी ईयर, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ करेज। कलाम जी कहते हैं, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। हर्ष का क्वेश्चन था कि कलाम जी को हर साल ब्रेवरी अवार्ड मिलता था, उनका नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन वो हर साल उस अवार्ड को गिव अप करते थे, गिव अवे कर देते थे, मतलब यानी कि छोड़ देते थे। तो हर्ष कहते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करेज, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ करेज। आप हमेशा ब्रेवरी अवार्ड छोड़ते आए हैं, तो आपकी नजर में ब्रेवरी यानी कि साहस, वीरता का मतलब क्या है। तो कलाम जी कहते हैं सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर, डिजास्टर यानी होता है आपदा। ओके, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। यदि आप किसी दूसरे को किसी आपदा से बचाते हैं और उनकी मदद करते समय आप अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि आप अपनी सोचे भी नहीं आप दूसरों की आपदा के समय मदद करते हैं, तो असली मायने में करेज या साहस यही है। तो जब हर्ष के क्वेश्चन का कलाम सर ने यही जवाब दिया कि यदि हम दूसरों की अपने बारे में सोचे बिना ही हम साहस के साथ उनकी मदद करते हैं, तो असली मायने में यही वीरता है, यही साहस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर राहुल मेहता स्टैंडर्ड 8 सिटी अहमदाबाद, तेजस सावंत स्टैंडर्ड 9 सिटी मुंबई। दोनों का क्वेश्चन यही था, What is your message to the citizens of India? Kalam, my message to the youth is given in 10-point oath, which I normally administer and is as follows. ये common question था राहुल मेहता और तेजस सावंत का कि what is the your message to the citizens of India? India के जो नागरिक हैं उनके लिए आपका क्या message है? तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि मेरा जो आंसर है यूथ के लिए वो 10-point oath है, यानी कि शपथ की तरह है जो 10-point है, और इसको मैं भी खुद एडमिनिस्टर करता हूँ जो कि नीचे है, जो कि और इसको मैं फॉलो भी करता हूँ। तो उनके जो 10 oath से 10-point oath यानी कि उनके 10 शपथ वो इस प्रकार थे। तो उनके फर्स्ट पॉइंट था ओथ का, I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it. Second tha, from now onwards, I will teach at least 10% to read and write those who cannot read and write. Pursue यानी कि होता है कुछ पाने के लिए लगे रहना या अनवरत उसके लिए काम करना।
डेडिकेशन यानी कि समर्पण, एक्सेल यानी कि उत्कृष्टता प्राप्त करना। ओके, तो उनका पहला शपथ यही था, ओथ पहला यही था कलाम जी का 10 पॉइंट में, कि मैं अपने एजुकेशन से कुछ पाने के लिए हमेशा ही लगा रहूंगा और अपने समर्पण से मैं उसको उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, अपने एजुकेशन के लिए मैं प्रयास करते रहूंगा और अपने एजुकेशन से मैं और अपने समर्पण से मैं उसमें एक्सेल भी हो जाऊंगा, ये उनका शपथ था। और दूसरा था फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी कि आज से ही आई विल टीच एटलीस्ट 10 पर्सन टू रीड एंड राइट, मैं आज से ही 10 ऐसे पर्सन को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। मैं आज से ही शपथ लेता हूँ कि मैं 10 एटलीस्ट कम से कम 10-10 पर्सन को मैं पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, उनको सिखाऊंगा पढ़ना लिखना जो कि पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैपलिंग्स एंड शैल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कॉन्स्टेंट केयर। फोर्था, आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड परमानेंटली वीन अवे एटलीस्ट 5 पर्सन्स फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग। वीन अवे होता है अलग करना या छुड़वाना, ओके, छुड़ाना, ठीक है। एडिक्शन यानी कि व्यसन या लत, जैसे कुछ लोग शराब स्मोकिंग के एडिक्ट होते हैं तो वो भी एक प्रकार का एडिक्शन ही है। गैम्बलिंग यानी कि जुआ। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे कलाम जी कहते हैं आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैपलिंग, सैपलिंग यानी होता है छोटा पौधा, एंड शैल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कॉन्स्टेंट केयर। मैं कम से कम 10 सैपलिंग लगाऊंगा, 10 पौधे लगाऊंगा और मैं सुनिश्चित और उनकी ग्रोथ को मैं लगातार उसकी केयर करते रहूंगा और उसको मैं इस उनके ग्रोथ को मैं सुनिश्चित भी करूंगा कि मैंने जो सैपलिंग्स जो मैंने पौधे लगाए हैं वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, मैं उनकी कॉन्स्टेंट केयर भी करूंगा। और नेक्स्ट में कहते हैं कलाम जी आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज परमानेंटली, मैं विजिट करूंगा यानी कि मैं दौरा करूंगा या घूमूंगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड परमानेंटली बीन अवे एटलीस्ट 5 पर्सन फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग, और मैं 5 लोगों को उनकी बुरी लत या व्यसन से मैं उनको छुटकारा दिलाऊंगा, और जुआ ये भी एक बुरी लत है, तो कम से कम मैं 5 लोगों को मैं इस सबसे छुटकारा दिलाऊंगा। उनका नेक्स्ट ओथ था आई विल कॉन्स्टेंटली एंडीवर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रेदरेन, आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस कास्ट एंड लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन, आई विल बी ऑनेस्ट एंड एंडीवर टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी। नेक्स्ट में कहते हैं एंडीवर यानी होता है प्रयास या प्रयत्न, रिलीजियस यानी धार्मिक, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि हर लेसन में कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स ऐड होते जाते हैं, तो आपको जब भी कुछ न्यू वर्ड्स मिलता है तो आप उसको सेंटेंस से फ्रेम करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कलाम जी ने कहा है कि कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन यानी कि कोई चीज़ को हम पढ़ लिए और छोड़ दिए तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है और हम उसको भूल जाते हैं। तो हमेशा याद करने के लिए क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, आप जितना उसको यूज़ करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी नया वर्ड्स मिलता है आपके बुक में, जैसे मैं ही बता रही तो कुछ न्यू वर्ड्स आ रहा है, तो अगर आप सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं तो उस टेक्स्ट को बार बार पढ़िए कि उस जो नया वर्ड जो है, न्यू वर्ड जो, उसको कैसे यूज़ किया गया, उसको सेंटेंस में फ्रेम कैसे किया गया है, तो देखिएगा कि आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट ओथ उनका ये था आई विल कॉन्स्टेंटली एंडीवर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रेदरिन, ब्रेदरिन यानी होता है भाई, ओके, बहुत सारे भाई। तो यहाँ पर कलाम जी कहते हैं मैं हमेशा प्रयास करूंगा अपने भाई बंधुओं के जो दुख दर्द जो से वो पीड़ित है उनको दूर करने का मैं हमेशा प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। और नेक्स्ट कहते हैं आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस कास्ट एंड लैंग्वेज डिफ्रेंशिएशन। आप लोगों ने देखा होगा आजकल धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ छिड़ गई है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कास्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो कलाम जी कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार के धर्म को या जाति को या भाषा विभेद को मैं किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरे लिए सब एक बराबर है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट कहते हैं आई विल बी ऑनेस्ट एंड एंडीवर टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी, और कलाम जी ये कहते हैं कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा और अपनी सोसाइटी को अपने समाज को करप्शन फ्री बनाने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा, प्रयत्नरत रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं उनका और पॉइंट, आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली राइटियस,
आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ द मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माय कंट्री एंड माय पीपल. एनलाइटेंड यानी होता है ज्ञान संपन्न प्रबुद्ध. राइटियस यानी सदाचारी सच्चा जो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं. तो कलाम जी नेक्स्ट में कहते हैं आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माय फैमिली राइटियस. तो जैसे आप जानते हैं कलाम जी जो थे वो पूरे भारत को अपनी फैमिली समझते थे. ठीक है, तो वो कहते हैं कि आई विल वर्क फॉर बिकमिंग, मैं हमेशा ही ज्ञान संपन्न सिटीजन होने के लिए काम करूंगा और अपनी फैमिली को सदाचार और सच्चा बनाने के लिए प्रयासरत रहूंगा. आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ द मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड. और कलाम जी ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं उनका माइंड कम होता है, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको विकलांग और आजकल उनको हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है उनको मैं फ्रेंड की तरह समझूंगा और एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल. और उनको मैं हमेशा ऐसा हार्ड वर्क करूंगा और हमेशा यही कोशिश करूंगा कि वो जो बच्चे हैं फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, चैलेंज्ड बच्चे हैं, ऐसे उनको नॉर्मल फील कराने के लिए जैसे हम सब फील कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ अस यानी कि बाकी जैसा फील करते हैं बच्चे, उन बच्चों के साथ मैं इनको बराबरी पे लाने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा. ये कलाम जी की बातें थी. और वो कहते हैं आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माय कंट्री एंड माय पीपल. और वो तो हमेशा ही डेडिकेटेड थे अपने कंट्री के लिए. तो कलाम जी अपने लास्ट पॉइंट पे ये भी कहते हैं कि चाहे मेरे कंट्री पर कोई भी सक्सेस हो या मेरे पीपल मेरे लोगों का कोई भी सक्सेस हो, उसको मैं गर्व से उसको सेलिब्रेट करूंगा, उत्साहपूर्वक उस सक्सेस को मैं भी सेलिब्रेट करूंगा. तो आप लोगों ने देखा कि कलाम जी की कई सारी बातें हैं जो बहुत ही अच्छी है, हमको आत्मसात करनी चाहिए. कलाम जी तो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन कलाम जी की बात को हम अगर आत्मसात करते हैं तो ये हमारी सक्सेस का द्वार खोल देती है. तो आप जानते होंगे कलाम जी को एक और नाम से जानते हैं जो है मिसाइल मैन. ओके बच्चों, तो आप लोगों ने कलाम जी के बारे में जो देखा कि ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये सारे बच्चे जो है ये लेटर लिखते थे कलाम जी को डेली, और इनमें से जो क्वेश्चन कलाम जी थे वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि जो क्वेश्चंस उनके पास आते हैं, लेटर जो आते हैं उनका वो हमेशा आंसर रिस्पॉन्ड करते थे वो. और इन्हीं क्वेश्चन से एक बुक बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था चिल्ड्रन आस कलाम. और इन्हीं बुक से कुछ क्वेश्चन को जो इंटरेस्टिंग था उसको इस बुक में, हमारे क्लास 8th की बुक में लाया गया चिल्ड्रन आस कलाम के लेसन के नाम से. तो ये क्वेश्चन थे और कलाम जी के आंसर थे. तो हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन है व्हाट सजेशन डज प्रेसिडेंट कलाम गिव टू चिल्ड्रन फॉर रिमेम्बरिंग फार्मूलाज ऑफ साइंस. कलाम जी ने साइंस और मैथ्स के फार्मूलाज को हमेशा याद रखने के लिए क्या सुझाव दिया. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. प्रेसिडेंट कलाम सजेस्ट देम दैट बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेम्बर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स. कलाम जी सुझाव देते हैं कि यदि हम फार्मूलाज को याद करना है, साइंस और मैथ्स के फार्मूलाज को याद करना है, तो उनका आप कॉन्स्टेंट अप्लाई करते रहे यानी कि उसका लगातार उसका उपयोग करते रहे, तो वो सारी चीजें जो है फार्मूला साइंस और मैथ्स के हमको हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम. आप लोगों ने जैसे देखा ना क्वेश्चन में कि जब पूछा गया कि आप वीरता अवार्ड हमेशा छोड़ते रहे तो आपकी नजर में करेज क्या था, तो कलाम जी ने क्या जवाब दिया था करेज के लिए कि उनके अकॉर्डिंग करेज क्या है, साहस या वीरता क्या है. सर देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट यूर ओन सेफ्टी इज करेज. कलाम जी के अनुसार करेज जो था वो ये था कि आपदा के समय में दूसरों को बचाना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे हुए दूसरों को बचाना ही यही करेज है यानी कि यही वीरता है. अब हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग क्लूज आर गिवन टू हेल्प यू कंप्लीट द प्रोवर्ब. प्रोवर्ब जानते हैं कहावत या मुहावरा जिसको कहते हैं, जिसका अपने आप में ही कुछ मीनिंग होता है. तो इसको दो सेक्शन में कर दिया गया है ए एंड बी, तो आपको मैच करना है. ये जो कहावतें हैं जो प्रोवर्ब्स है आप डेली लाइफ में सुनते भी होंगे. जैसे मैं फर्स्ट को पढ़ दे रही हूँ ए सेक्शन को, जैसे फर्स्ट है एन एप्पल अ डे. आप आंसर देना चाहते होंगे तो आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं.
ओके, एन एप्पल अ डे, तो उसको आपको प्रोवर्ब को पूरा करना है. सेकंड है ऑनेस्टी इज, थर्ड है बार्किंग डॉग्स, फोर्थ है अ फ्रेंड इन नीड, और फिफ्थ है द पेन इज. अब बी सेक्शन का देख लेते हैं. बी में फर्स्ट है माइटियर देन द सॉर्ड, डू नॉट बाइट, कीप द डॉक्टर अवे, इज अ फ्रेंड इन डीड, द एंड लास्ट वन इज द बेस्ट पॉलिसी. तो जैसे एन एप्पल अ डे, अगर आप रोज एक एप्पल लेंगे तो आप किससे दूर रहेंगे? आंसर इसका हो जाएगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सेकंड हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बार्किंग डॉग्स, आप लोगों ने सुना होगा ना, जो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, जिसका हिंदी में अनुवाद हो जाता है, तो बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट. और फोर्थ है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि जरूरत के समय जो काम है वही सच्चा दोस्त है. और लास्ट है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है. तो देख लेते हैं आंसर इसका. ओके, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, एंड लास्ट वन इज द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. तो आपको सबका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप अगर रोज एक एप्पल खाते हैं तो आप हमेशा डॉक्टर से दूर रहेंगे, यानी कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है यही सबसे अच्छी नीति है. बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, यानी भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं. इसको ये भी जैसे आप लोगों ने देखा, जो बहुत जो बोलते हैं वो करते नहीं है, है ना. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो जरूरत के समय काम है वही सच्चा दोस्त है. एंड लास्ट है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. तो प्रोवर्ब तो दो हिस्से में कर दिया गया था जिसको आपको मैच करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, ग्रामर सेक्शन का. ये कुछ ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं. आपको अगर आंसर देना होगा तो चलो, तो फिर आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन के आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चूज करके बताना है आपको कि वो आंसर कौन सा वहां पर सुटेबल है. ओके, द फर्स्ट है आई विल टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल बिन आई, मैं ओल्ड पीपल यानी मैं बुजुर्ग लोगों की देखभाल करूंगा बिन आई. तो वो डैश में क्या आ जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ग्रोन अप, ग्रीव अप एंड ग्रो या ग्रो अप. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वेन आई. चलिए आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वेन आई ग्रो अप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आई विल वर्क फॉर डैश ऑफ बैड ट्रेडिशंस, यानी कि मैं काम करूंगा बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, जो बुरी जो परंपरा चली आ रही है उसको छुड़ाने के लिए. तो यहाँ पर रिमूव जो लिखा है उसका कौन सा फॉर्म आएगा, तो देख लेते हैं. ए रिमूव, बी रिमूव्ड, सी रिमूविंग या डी रिमूवल. आई विल वर्क फॉर, आंसर हो जाएगा डी रिमूवल ऑफ बैड ट्रेडिशन, मैं बुरी आदतों को निकालने के लिए मैं काम करूँगा. ओके, आंसर है डी रिमूवल. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब आता है आप लोगों का होमवर्क सेक्शन. जैसे मैंने कहा कि हम जब सेलिब्रिटी से मिलते हैं या टीवी पर देखते हैं या उनको कभी सुनने का मौका मिलता है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं. कलाम जी तो नहीं रहे, लेकिन अगर कलाम जैसे ही कोई हमारे सामने आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं तो आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. तो ये आपका होमवर्क है आज. इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम थ्री क्वेश्चंस, व्हाट वुड दे बी. अगर आपको कलाम जी से कुछ क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता तो आप क्या क्या क्वेश्चन करते. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारा लेसन खत्म होता है. जैसे मैंने बताया कि कलाम जी तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो बातें हैं इतनी अच्छी थी जो हमको इंस्पायर करती है और हमको सक्सेस की ओर ले जाती है. जो इनका एक बहुत अच्छी बात उनकी ये थी कि हम कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करते रहे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहे. जैसे कि साइंस मैथ, तो ये तो हमारे लाइफ टाइम जब तक हम पढ़ते रहेंगे इस एजुकेशन के फील्ड में रहेंगे, साइंस और मैथ से हम जुड़े रहेंगे. और साइंस और मैथ्स क्या है, फुल ऑफ फार्मूलाज है ना.
तो इन सबको याद करने के लिए उसका आप लगातार उपयोग करते रहें और हमेशा दूसरों की सेवा के लिए सोचे, इस भाव को रखते रहेंगे तो हम सोचेंगे कि हमने कलाम जी की बातों को आत्मसात किया है और वो हमेशा हमारे बीच इसी तरह रहेंगे। तो ओके बच्चों, तो हमारा लेसन यहीं पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।